कंचे में रहते हैं। परसों कल रात में जैसो हमारे पड़ोसी हमारे भाई के ऊपर जैसो चार जने सना डॉन बुल के है, उनके चार बेटे हैं, वो लोग जैसो अचानक अटैक कर दिए हमारे भाई के ऊपर घर में घुस के। बच्चे को चार टाके लगे और जैसे उनको पीएस को लेके गए, तो जब तक उन्होंने ऐसे हिसाब से मैनेज कर लिए, ऐसे हिसाब इनका कंप्लेंट नहीं लेके इनको जैसे दो दिन से इंटरोगेशन कर रहे। कल सुबह में भी गए तो सुबह 11 बजे से शाम के 11 बजे तक खड़ा करे, उनको इतना इंटरोगेशन करे, अब उनके चेस्ट में दर्द हो रहा। और जैसे हम लोग पूछने गए तो क्या बोल रहे, इनके ऊपर पीटीएड डालता हूँ, गांजा डालता हूँ, शीट खोलता हूँ, ऐसा बोल रहे हैं उनको। टाके लगे हुए हैं, सो रख देख के हमारे से। हाँ, टाके लगे हुए हैं। इंसिडेंट कब हुआ ये? कल हुआ। क्या टाइम पे? 5 बजे। क्या कहाँ पे हुआ ये? उनके घर में कंचे में। शिकायत आप लोग करने गए? आप लोग को? हाँ, हम लोग करने गए, कंप्लेंट हम लोग करने गए। 21 वालों को छोड़ दिए, इनको बिठा लिए। वो सना खान क्या है, उन्होंने आके कुछ लेन देन क्या कर लिए नहीं मालूम। पहले तो अच्छी बात करे, बाद में जैसा वो लेडीज आके बात कर आके जैसे उन्होंने बात करते, जब से हमारे से बदल गए। और ये इंजूर बच्चा है, पूरा ब्लड में है, उन्हें सिर में से ब्लड जा रहा, पूरा जैसे हाथा पैर उसके पूरे उदे नीले हो गए। पीएस में वेंकटेश एस आई है सर्कल साहब अभी सीरियस है, क्रिटिकल में है। उन्होंने एस आई साहब को जाके हम लोग बोले क्या है, कहीं कुछ नहीं कर रहे उनको बोले, तो उन्होंने हमारी बात को कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो हम सर्कल करने गए, सर्कल साहब जैसे उनको क्या बोले, क्या बात है इनके ऊपर, जो दूसरे 21 है उनको FIR करके इनको भिजाओ बोले, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्कल साहब की बात नहीं माने। उन्होंने आज जैसे फिर आज भी हम सर्कल साहब को जाके बोले, तो उन्होंने बोले कि अभी तक नहीं छोड़े बोल के बुला के हमारे भाई को। जब छोड़े उन्होंने छोड़े तो हम जब हॉस्पिटल को लेके गए, प्राइवेट हॉस्पिटलों में ले गए, तो कहीं पर भी नहीं लिए उनको, नहीं लिए जी। इनके ऊपर हमला करने की ये आजू बाजू बड़े बाड़े के घर में रहते अब। हाँ, इन्हों क्या है, आजू बाजू घर में रहते ना, तो इस वजह से हमले की वजह क्या है? वजह कुछ नहीं, बाड़े घर में रहते बस उतनी। आप घर में तो मारम पीटी क्यों हुई? वो बच्चे को खाली गाली दिया बोल के, छोटे बच्चे घर में घुस के इनके ये बच्चे को जैसे एक बार मार के होठ में से खून निकाल दिया। तो जब गाली गलौज हो गई थी वो लोगों की, जब वो दिल में रख ले के अब इन्हों घर में नहीं थे हमारे भावज, तो जैसे चार जने मिलके अटैक करके मारे हो अंदर घुस गए चार जने। उसके बेटे सना खान के बेटे, बच्चों का नाम मालूम है उनके? बोलिए ना। आमिर है, आमिर क्या नाम है जी? सोहेल है। सोहेल है, मोहम्मद है, साहिल, साहिल ले गए। वो बच्चों पे कैसा है? नदी में कैसा है? नदी में चोरा है, स्नेचर अम्मा भी स्नेचर है। बोला 4 करोड़ की सर्कल साहब के नॉलेज में नहीं है, इनको इतना इंटरोगेशन करे, इनको इतना क्रिटिकल मामला है बोल के सर्कल साहब के नॉलेज में नहीं है। हम MLA साहब को फोन करने से, MLA साहब जैसे फोन करे तो जब उन्होंने ये रिस्पांस दिए हमारे आपके भाई के ऊपर कुछ केसेस है क्या? पहले के पहले थे केसेस, अभी कुछ केसेस नहीं है। नहीं सना खान के बेटों से कुछ दुश्मनी? नहीं नहीं नहीं, वो दुश्मनी करे जैसे, दुश्मनी करे जैसे हालत में नहीं है। उन्होंने पलम्बर काम करते हैं, इनके बीवी जैसे घरों में काम करके जीने वाले गरीब लोग हैं। इनो जैसे बड़े स्नैचर चोरा है लोग, तो मेरा फोन रखा है तो जब उन्हों बाहर निकले हमारे को ऐसा ही साहब सस्पेंड होना, जो एक्यूज है उन लोगों के ऊपर केस होना, उन लोगों के ऊपर 3 नंबर PS में कैसा है उन्हों मेरे सामने बात करे, ऐसे ही साहब सामने बात करके मेरे भाई को मेरे सामने मारे, हाथ पे हाथ उठा के भड़ बोल के मारे, कुर्सी पे सना खान बिठा के सामने बिठा के चाय पिला रहे उनको। और उन्होंने खुद बोल रहे तुम कितनी रिकवरी दिया बोले तो 4 करोड़ दिया मैं, खुद उनका बेटा बोला ऐसे के सामने कुर्सी पे बिठा के चाय पिला रहे उसको गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में। खुद सना खान कौन है? ये चोर है, डॉन है कहते हैं वहाँ की, इन्हें पूरे पुलिस वालों को पहचान रही, सबसे मिल रही डॉन है, उन्हें वहाँ से थोड़ा लड़ाई झगड़ा करके उसको वहाँ और उसके साथ जाके ना लंच भी करके आए दोपहर में, वो प्रूफ भी दिखाता हूँ मैं आप लोग, चाय भी पिए साथ में लोग सना खान ये सही जो एक्यूज हम कंप्लेंट कर रहे दोनों भी साथ में जाके बाहर जाके लंच कर गए जाके चाय पिला रहे हो साथ में बिठा के पिला रहे हो चाय कैसा ऐसा है जी क्या वेंकटेश चरलू दूसरे ऐसे हिसाब भी है उन्होंने भी बोले जान दो देख के खत्म करो बोले तो नहीं खाली अपनी किसी की नहीं उन्होंने एक तरफ
मदद करने के पैसे खाने के बैठने के हाँ वो बच्चा घर में कभी भी घुस के इनको भी मार सकते हो लोग। ऑलरेडी टोली चौकी में लोग हमले करने की वजह से लोग वहाँ पर भागे हुए है। अब हम एमएलए साहब को फोन करे तो एमएलए साहब हमारे को यहाँ भेजे तो अब थोड़ा हमारे को रेस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन इससे पहले कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया हमारे को।